हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ईओओ एग्जामिनेशन जो कि 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन है इसकी नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में आई थी और कोविड 19 की वजह से एग्जाम बार बार पोस्टपोन हुआ और फाइनली ये एग्जाम 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट था रिक्रूटमेंट टेस्ट का वो अक्टूबर 2021 में आया और जो इंटरव्यू थे वो थे जुलाई 2022 में और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो अगस्त 2022 एंड में आया। और फाइनली यूपीएससी ने इस एग्जामिनेशन के डिफरेंट स्टेजेस की जो कट ऑफ है वो रिलीज कर दी है और एक कट ऑफ हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अगर आगे एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएलसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईओओ एग्जामिनेशन जो आगे आ सकता है उसकी भी तैयारी करेंगे तो हमारे दिमाग में कट ऑफ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कितना सेफ स्कोर हम लोगों को देखने को मिल सकता है और दूसरी बात कि कितना कंपटीशन है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, यहां पर यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन हमारे साथ शेयर करी है इसमें उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपेयर हुए, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स थे, उसके बाद किस पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई और रिक्रूटमेंट स्टेज में कट ऑफ क्या थी और फाइनल स्टेज में कट ऑफ क्या थी। और मैं वन बाय वन आप लोगों को हर चीज बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यहां पर जो एग्जाम था वो 421 वैकेंसीज के लिए था, ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे अपेयर हुए थे वो 82,000 थे, ओबीसी कैटेगरी के 82,000, एससी कैटेगरी के 37,000, एसटी कैटेगरी के 12,080, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 17,000, तो टोटल नंबर ऑफ अपेयर्ड कैंडिडेट थे 2,30,820, और ये जो नंबर है काफी हाई है क्योंकि एक्चुअल में फॉर्म काफी बच्चे फिल करते हैं लेकिन जो टर्नओवर रेशो रहता है एग्जामिनेशन सेंटर में वो काफी कम रहता है, 40-50% बच्चे ही एग्जाम देने जाते हैं, तो दिस नंबर इज क्वाइट हाई और उनमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यूपीएससी ने बताई है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं तो 163 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फ्रॉम द जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी और यहां पर भी 16 ईडब्ल्यूएस, 35 ओबीसी, 1 एससी और 2 एसटी कैंडिडेट थे, ठीक है। उसके अगर मैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 111 बच्चे ओबीसी कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं, 61 बच्चे एससी कैटेगरी के, 33 बच्चे एसटी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के 42 स्टूडेंट्स और 8 जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड में और जो बाकी 3 है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड में टोटल। तो 421 जो वैकेंसी है वो हम लोगों को देखने को मिली और जिनमें बच्चे सिलेक्ट किए गए। अगर मैं बात करूं कट ऑफ मार्क्स की, मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी की, तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था यहां पर मिनिमम जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 187.39 और 187.39 हमें क्या इंडिकेट करती है कि दिस कट ऑफ इज क्वाइट हाई। दोस्तों, ऑलमोस्ट 60% से ऊपर कट ऑफ है। अगर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट की हम बात करें तो 300 मार्क्स का पेपर था आपका और किसी बच्चे के अगर 60% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, मतलब 62% लगा लो, तभी जाके वो सिलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यूपीएससी के स्टैंडर्ड से कट ऑफ काफी हाई है क्योंकि पेपर उतना भी आसान नहीं था, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो 173.12 कट ऑफ गई है, एससी कैटेगरी की 160.51, एसटी कैटेगरी की 156.30 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 171.43। तो यहां पर जनरली जो कट ऑफ है काफी हाई रेंज में है और मोर देन 60% हमें कट ऑफ देखने को मिल रही है फॉर जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज के लिए भी इट इज ऑलमोस्ट 55% एंड अबव, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए और आने वाले एपीएफसी एएलसी एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट आपको इंटरव्यू में एक मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 100 में से 50 नंबर लाने ही लाने हैं, जो ओबीसी वाले बच्चे थे उनको 45 नंबर लाने ही लाने थे, जो एससी बच्चे थे उनको 40, एसटी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 नंबर थे। तो जो फाइनल कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ का मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर मिलाकर और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर जो कट ऑफ गई है वो है 259.33 फॉर जनरल कैटेगरी, 244.51 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 233.39 फॉर एससी कैटेगरी, 231 फॉर एसटी कैटेगरी एंड 246 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो अगेन कट ऑफ काफी हाई है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए, आप बिल्कुल भी हल्के में इन एग्जामिनेशन को नहीं ले सकते क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इन एग्जामिनेशन में भी अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत के साथ जाना पड़ेगा तभी जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। अगर मैं आगे बताऊं तो हाईएस्ट मार्क्स भी उन्होंने शो करे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स कितने थे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो रहे 296.85, ओबीसी में 291.10, एससी में 261.55, एसटी में 268 और ईडब्ल्यूएस में 297.76।
तो हाईएस्ट मार्क्स भी काफी ज्यादा है, मतलब एक बच्चा ऑलमोस्ट जो है 75% नंबर स्कोर कर रहा है, हाईएस्ट मार्क्स यूपीएससी के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए था कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था वो था 300 नंबर का और जो इंटरव्यू था वो था 100 नंबर का। इंटरव्यू की जो वेटेज थी वो 25% थी और रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो वेटेज थी वो 75% थी। तो यहां पर हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए, हमारा क्या कंक्लूजन होना चाहिए कि अगर हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सेफ स्कोर जो है वो अब ऊपर होता जा रहा है, लगभग 60% आपका मिनिमम सेफ स्कोर है जिसपे आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं कि हाँ मेरी सिलेक्शन हो सकती है। बट क्योंकि आगे कंपटीशन और बढ़ेगा तो ये कट ऑफ जो है ये और बढ़ने की संभावना है। तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आप में से कोई बच्चा एपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो आई एम शेयरिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग विद यू, दिस इज द कंप्रेहेंसिव गाइड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन। जब आप एपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार ये एग्जामिनेशन है क्या, ईपीएफओ क्या है, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो जितने भी आपके डाउट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, असिस्टेंट कमिश्नर जो कि ईपीएफओ में एक बहुत मेजर पोस्ट है उसके रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप लोगों के पास ये गाइड बुक पक्का होनी चाहिए क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब ये गाइड बुक देगी। और इसमें खास बात क्या है कि डिकोडेड सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो सिलेबस होता है वहां पर हमें सिर्फ सब्जेक्ट के नाम देखने को मिलते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो हमने यहां पर आपको डिकोडेड सिलेबस भी दिया है और इस गाइड बुक को डाउनलोड करने के बाद आप लोग सॉल्ड पीवाईक्यूज भी देखेंगे 2002, 2004, 2012 और 2015 के एपीएससी पेपर्स के। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके टेबल पे गाइड बुक पक्का होनी चाहिए और ये गाइड बुक एकदम फ्री है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और प्लीज अपनी कॉपी सेव कर लीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।